लॉकडाउन के दौरान जिला पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार। बीकानेर जिला पुलिस ने एक मकान पर दबिश देकर अवैध शराब जब्त की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मकान में देसी शराब के एक ही मार्क के कुल 510 पौवे बरामद किए हैं। दबिश के दौरान आरोपी हमिद खां के मौके पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में आरोपी से इतनी मात्रा में अवैध शराब कहां से लाया है, इस संबंध में गहनतापूर्वक पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस सरकार फूक फूक कर उठा रही है कदम, जरूरत पड़ी तो सेना से भी लेंगे मदद। सूत्रों की माने तो लॉकडाउन के चलते लोगों का बाहर निकलने का क्रम जारी है। प्रशासन सख्ती से इसकी पालना कराने में असफल साबित हो रहा है। माना जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराने के लिए सेना की मदद ले सकती है। एक दो दिन में सरकार इस पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसके संकेत दिए हैं। जेलों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए पाकिस्तान में 1200 कैदियों की रिहाई। पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोरोना को लेकर स्थितियां चिंतनीय हैं। इसे देखते हुए लगभग 1200 कैदियों को छोड़ने का फैसला किया गया है। इस बीच भारत में भी जेलों में बंद कैदियों को छोड़ने की मांग उठने लगी है। भारत की जेलों में कोरोना की एडवाइजरी के अनुसार कैदियों के लिए व्यवस्था नहीं होने की वजह से कैदियों को छोड़े जाने का दबाव बनाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित की मौत पर नहीं कर सकेंगे अंतिम दर्शन। WHO ने अपनी गाइडलाइन में स्पष्ट किया है कि यदि किसी कोरोना संक्रमित की मौत हो जाती है तो किसी भी स्थिति में शव को कीटाणु शोधन बैग से नहीं निकाला जाएगा। प्लास्टिक में पैक शव को जलाया या दफनाया जाएगा। शव को अंतिम दर्शनों के लिए भी नहीं रखा जाएगा। कोई भी परिवार मृतक के अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगा, भले ही कोई कितनी जिद करे, लेकिन चेहरा नहीं खोला जाएगा। चिकित्सा सेवा के लिए डॉक्टर कल्ला ने 5 लाख रुपए स्वीकृत किए। जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने अपने विधायक कोष से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेडिकल संबंधित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। इसके अलावा उन्होंने अपने विधायक कोष से बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने के लिए भी 1 लाख रुपए की राशि जारी की है। मजदूरों के लिए राहत भरी खबर, शुरू होगी राजस्थान रोडवेज बस सेवा। मजदूरों को उनके राज्य में ले जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस सेवा शुरू हुई है। राजस्थान के जिस जिले से निकल रहे मजदूर उन्हें उनके राज्य की सीमा तक बस छोड़ेगी। इसी तरह दूसरे राज्य की सीमा से प्रदेश के नागरिकों को बस लेकर प्रदेश पहुंचेगी। जिला कलेक्टर बसों को कहां जाना है और कैसे जाना है ये तय करेंगे। भारत सरकार के निर्देशों के बाद ACM होम ने आदेश जारी किए हैं। रोडवेज से MD नवीन जैन ने सभी आगार प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं। बीकानेर में मिले पहले संदिग्ध की खबर से CHC में मचा हड़कंप। CMHO डॉक्टर BL मीणा से मिली जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय युवती 22 मार्च को जोधपुर से देशनोक आई थी, जिसको जुकाम होने के कारण CHC में दिखाने के लिए ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने बीकानेर भेज दिया। यहां इस युवती को माहेश्वरी भवन में आइसोलेट किया गया। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों ने युवती की जाँच की, जिसमें नॉर्मल जुकाम होना बताया गया। घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुलिस का मानवीय चेहरा, भूखे ट्रक चालकों को कराया भोजन। लॉकडाउन में कई जगह पर पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिल रहा है। पुलिस युवकों को बेवजह सड़कों पर आने से रोक रही है, वहीं गरीब और असहायों की मदद भी कर रही है। ऐसा ही एक उदाहरण नोखर ट्रैफिक पुलिस ने पेश किया है। 2 मजदूर गुजरात से रवाना किसी साधन से जोधपुर पहुंचे और जोधपुर से पैदल नोखा पहुंचने पर नोखा यातायात पुलिस ने उन्हें भोजन करवाया और उन्हें बाद में किसी वाहन से गाँव भिजवाने की व्यवस्था की। चवन के नेतृत्व में नगरपालिका इंसानों के साथ गोवंश की भी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रही। तभी तो राजस्थान की नंबर 1 नगरपालिका का तगमा मिला हुआ है। कोरोना कहर में गोमाता के लिए चारे की व्यवस्था शुरू। नोखा नगरपालिका के लोकप्रिय युवा चेयरमैन नारायण झंवर के नेतृत्व में 3000 से अधिक परिवारों को राशन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। नगरपालिका के इस पुण्यार्थ कार्य में भामाशाहों द्वारा आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। उपकरण अधिकारी रमेश देव जाट भी नगरपालिका इस पुनीत कार्य में चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जब से तालाबंदी हुई तब से नपा अध्यक्ष झंवर और उनकी टीम जरूरतमंदों के सहयोग में भी जी जान लगा रही है। वहीं आज गोवंश के लिए भी चारा तूड़ी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था शुरू की गई। ड्राइवर्स की फैमिली के लिए ओला ने बनाया 20 करोड़ रुपए का राहत फंड। CEO देंगे 1 साल की सैलरी। कोरोना संकट में आम लोगों की मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बाद कंपनी भी आगे आ रही है। लॉकडाउन को देखते हुए राजस्थान में कोरोना मरीजों का बढ़ रहा है आंकड़ा। आज सुबह 2 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल संख्या 52 हो गई है। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सुबह 2 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया, राजस्थान में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 52 हो गई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बन गया है।
सोनम।